हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज हमारी चैनल पे आप सबके लिए कुछ बहुत ही अच्छी एंड लेटेस्ट साउथ इंडियन मूवीज के रिव्यूज लेके आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते ही है कि साउथ इंडियन मूवीज का अपना ही एक अलग क्रेज है, जिसमें फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ कॉमेडी एंड फुल ऑफ मसाला तो मिल ही जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट 10 न्यू हिंदी डब साउथ इंडियन मूवीज, जो आप घर बैठे बैठे यूट्यूब पर बहुत इंजॉय कर सकते हैं। वर्ल्ड फेमस लवर, ये है हमारी लिस्ट पे सबसे टॉप पे आने वाली मूवी, जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हटके टाइप है। इस मूवी में आपको एक से ज्यादा लीड स्टार कास्ट देखने मिलेंगे, जो इसको और भी खास बनाते हैं। बेसिकली ये मूवी इसके नाम की तरह एक लव स्टोरी पे ही है, बट इसमें बहुत सारे अलग ट्विस्ट है जो इसको और मसालेदार बनाते हैं। इसमें विजय एक राइटर है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कुछ फिक्शनल लव स्टोरीज लिखता है। उसे उन लव स्टोरीज को लिखने के बाद रियलाइज होता है कि वो खुद अपनी रियल लाइफ में कितना अकेला है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाता है। अगर आपको विजय की अर्जुन रेड्डी, जिसका रीमेक है कबीर सिंह, पसंद आई है तो आपको ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस मूवी को IMDb में 4.6 आउट ऑफ 10 और गूगल में 3.8 आउट ऑफ 5 रिव्यूज मिले हैं। नंबर 2 पे आती है नवीन पॉलिशेट्टी की एजेंट साइन, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और उसकी हिंदी डबिंग इस साल गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पे रिलीज हुई है। मूवी की मेन कास्ट की बात करें तो लीड रोल में है नवीन पॉलिशेट्टी, जो की एजेंट साइन के किरदार निभा रहे हैं, और फीमेल लीड में है श्रुति स्नेहा, जो उसकी असिस्टेंट का रोल प्ले कर रही है। मूवी की स्टोरी में हीरो एक डिटेक्टिव है जो अपनी असिस्टेंट के साथ छोटे मोटे केस सॉल्व करता है, बट एक्चुअल लाइफ में उन्हें काफी केसेस नहीं मिल पाते। पर एक बार एजेंट साई के हाथ एक बहुत बड़ा केस लगता है, जो इस कहानी को एक अलग ही एंगल देता है। जैसे जैसे मूवी की स्टोरी आगे बढ़ेगी तो नए ट्विस्ट के साथ आपको कॉमेडी भी देखने को मिलती रहेगी, जो इस मूवी को परफेक्ट मसाला ब्लॉकबस्टर बना देती है। अगर आपको स्पाई और सस्पेंस मूवीज पसंद आती है तो ये मूवी आपके लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगी। इस मूवी को IMDb रेटिंग में 8.4 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं और गूगल में 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं। आगे बढ़ेंगे हमारी लिस्ट की नंबर 3 पर आने वाली मूवी, जो है चाणक्य। ये मूवी भी 2019 में रिलीज हुई थी और उसका हिंदी डब्ड वर्जन दिसंबर 2020 में रिलीज हुआ है। चाणक्य एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की मेन लीड कास्ट में है गोपी चंद, महरीन कौर, जरीन खान और उपेन पटेल। मूवी की स्टोरी में अर्जुन एक रॉ का एजेंट है और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज का खुलासा करता है। अर्जुन के साथ उसकी पूरी टीम वर्क करती है, जो हर वक्त उसका साथ देती है और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। बट हर मूवी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है, जिसमें एक मिशन पे अर्जुन उसके साथियों से दूर हो जाता है और अर्जुन को अकेले ही टेररिस्ट का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे ये टेररिस्ट कौन है भला, अर्जुन अपनी टीम को बचा पाएगा या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मूवी पूरी ही देखनी पड़ेगी। इस मूवी को IMDb में 5.4 आउट ऑफ 10 और गूगल में 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं। हमारे लिस्ट की नंबर 4 पे आने वाली मूवी है ममूती की पारोल मूवी, जो 2018 में मलयालम में रिलीज हुई थी और इस साल हिंदी में। मूवी की लीड रोल में है ममूती और इनिया। पारोल एक सुपर ड्रामा मूवी है, जिसमें एलेक्स, जिसका रोल ममूती ने प्ले किया है, अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ बिताता है, पर एक ट्रेजेडी की वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। जेल में पुलिस से लेकर कैदियों तक सब उसे बहुत पसंद करते हैं। एलेक्स 8 साल बाद पेरोल पर अपने बेटे को देखने के लिए बाहर तो आ जाता है, पर उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मूवी की स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। मूवी में इमोशन है, ड्रामा है और थोड़ा एक्शन भी। अगर आपको फैमिली ड्रामा मूवी के साथ इमोशनल स्टोरी पसंद आती है, ये मूवी आपकी बकेट लिस्ट में जरूर ही होनी चाहिए। मूवी को IMDb रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 रिव्यू मिले हैं।
नेक्स्ट मूवी जो नंबर 5 पे आती है नरकोंडा परवाई, जो 2019 में तमिल में रिलीज हुई थी और महारक्षक के नाम से इस साल हिंदी में रिलीज हुई है। ये मूवी 2016 में आई पिंक मूवी की रीमेक है, बट साथ में थोड़ा सा साउथ का मसाला भी ऐड है। मूवी की स्टार कास्ट में है अजीत कुमार, श्रद्धा श्रीनाथ, अभिरानी और एंड्रिया। मूवी की स्टोरी की बात करें तो कुछ लड़के 3 लड़कियों को मर्डर केस में फंसा देते हैं, पर एक रिटायर्ड वकील इन तीनों लड़कियों की हेल्प करता है। ये मूवी एक लीगल ड्रामा विद इमोशन मूवी है, बट इसकी स्क्रिप्ट और स्टोरी आपको एक नया मूवी एक्सपीरियंस जरूर देगी। इस मूवी को IMDB में 8.1 रिव्यू मिले हैं और गूगल में 4.6। नंबर 6 पर है मोहनलाल की उड़ियान मूवी, जो 2018 में मलयालम में रिलीज हुई थी। ये एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जो इस साल हिंदी में भी उड़ियान नाम से ही रिलीज हुई है। मूवी के मेन कास्ट में मोहनलाल के साथ साथ मंजू वरियर और प्रकाश राज भी है। मूवी की स्टोरी में मणिक्यान, जो अपने ट्राइब का आखिरी सर्वाइवर है जिसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर है, उसे 2 लोगों के मर्डर में फंसा दिया जाता है और फिर गांव से निकाल फेंका जाता है। 15 साल बाद जब वो अपने गांव वापस आता है तो उसे सब अपनाने से इनकार कर देते हैं। मूवी की स्टोरी वैसे काफी सिंपल है, बट जैसे जैसे आप मूवी देखेंगे प्लॉट इंटरेस्टिंग बनता जाएगा। इस मूवी को IMDB में 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार मिले हैं और इसकी गूगल यूजर रेटिंग है 3.3 आउट ऑफ 5। अब बात करते हैं नंबर 7 पर आने वाली मूवी विलाई इलत्ता पट्टथारी, जो कि VIP के नाम से काफी फेमस है। ये मूवी एक्चुअल में 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की हिंदी डबिंग इस साल रिलीज हुई है। 2014 की VIP कास्ट की बात करें तो लीड में धनुष के साथ अमाला पॉल ने काम किया है। मूवी की स्टोरी एक मिडिल क्लास एजुकेटेड इंजीनियर की है जो इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब ढूंढता है, पर एज यूजुअल उसे जॉब नहीं मिल पाती। आखिर में उसकी माँ की डेथ के बाद उसे किसी दूसरी फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ती है, जो कि नए चैलेंजेस से भरी हुई होती है। ये मूवी आजकल के अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस को दर्शाती है, जिसमें कि युवा लोगों की परेशानियां बताई गई हैं। अगर आप रियल लाइफ बेस्ड मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपके लिए एकदम सही है। इस मूवी को IMDB में 7.8 रेटिंग मिली है और गूगल में 4.9 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है। अब आ रही है नंबर 8 पे आने वाली मूवी नागा शौर्य की अश्वत्थामा, जो कि 2020 में तेलुगु में रिलीज हुई थी और इस साल हिंदी में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी लीड कास्ट में नागा शौर्य के साथ साथ शरगुन कौर और महरीन कौर भी हैं। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है। गना, जिसका रोल नागा शौर्य ने प्ले किया है, वो USA से इंडिया अपनी बहन की सगाई के लिए आता है, बट उसे अपनी बहन के साथ हुए दुष्कर्म के बारे में पता चल जाता है, जिसका बदला लेने की तलाश में उसे और कई ऐसे क्राइम्स के बारे में पता चलता है जो लड़कियों के साथ हो रहे होते हैं। मूवी एक्शन और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अश्वत्थामा की रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को IMDB में 10 में से 6.4 रेटिंग और गूगल में 5 में से 4.5 रेटिंग मिले हैं। नंबर 9 पे आती है कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत की स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी का मेन प्लॉट कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जो पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। कुरुक्षेत्र मूवी को बड़ा बनाती है उसकी स्टार कास्ट, जिसमें दर्शन, सोनू सूद, अर्जुन सरजा जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। अगर आपको महाभारत की स्टोरी मूवी की तरह एक्सपीरियंस करनी है तो ये मूवी आपके लिए ही बनी है, जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ फुल फाइटिंग भी इंक्लूडेड है। मूवी की रेटिंग पर आए तो इस मूवी को IMDB में 6.9 रेटिंग मिली है और गूगल ने इस मूवी को 3.2 स्टार दिए हैं। हमारी लिस्ट में आखिरी मूवी का नाम है मास्टर, जो इस साल मकर संक्रांति पे थिएटर में रिलीज हुई थी और इस हफ्ते Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है। इसका हिंदी वर्जन भी थिएटर पर ही रिलीज हुआ है। Amazon प्राइम पे सिर्फ तमिल और तेलुगु वर्जन अवेलेबल है। मूवी की कास्ट में विजय के साथ साथ विजय सेतुपति और मालिका मोहनन ने भी काम किया है। मूवी की कहानी में जॉन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, वहाँ उसका सामना एक गैंगस्टर से होता है जो कि स्कूल के बच्चों से इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाता है। अब
एक टीचर गैंगस्टर से कैसे लड़ता है वो जानने के लिए तो आपको पूरी मूवी ही देखनी पड़ेगी। वैसे इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन काफी मजेदार है, जो एक भी बार आपको बोर नहीं करेगा, लाइक अ टिपिकल साउथ इंडियन मूवी। मूवी का IMDb में 7.3 रेटिंग मिली है और गूगल यूजर ने इस मूवी को 4.5 रेटिंग दी है। थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेल्प अस टू ग्रो मोर।